देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो तुम लोगों के कहना है पंडाल के बारे में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबको दशहरा विश कर दो एक बार, हैप्पी दशहरा कस कर एक बार सबको, हैप्पी दशहरा। तो गाइस देख सकते हो छोटे छोटे बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा खुशी इस पंडाल को लेकर, और इन लोग भी आप लोगों को विश किया था, और मेरी तरफ से और इन बच्चों की तरफ से आप लोगों को हैप्पी दशहरा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल दशहरा फेस्टिवल ब्लॉग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज है सप्तमी और आज से स्टार्ट हो चुका है दशहरा पूजा, क्योंकि आज 2 तारीख हो गया और आज बस सिर्फ 2-3 दिन आज से दशहरा पूजा रहेगा। तो आज से हम आप लोगों को ब्लॉग कंटिन्यू देते रहेंगे चैनल पर दशहरा पूजा से रिलेटेड, और पटना का सारा पंडाल एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमें पुरथौल में, और यहाँ पे बना दिया गया है बाहुबली फिल्म सिटी का पूरा पंडाल, और ये जो पंडाल है ये पूरा फुल्ली एसी है। तो आइए हम चलेंगे उस साइड, और उस साइड जाके पंडाल को एक्सप्लोर करेंगे और कुछ लोगों से बातें करेंगे कि क्या है इस पंडाल के बारे में, जो कुछ भी है सब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आप लोग वीडियोस में कंटिन्यू बने रहिए। अभी देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो तुम लोगों के कहना है पंडाल के बारे में? बोलो कुछ बोलो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबको दशहरा विश कर दो एक बार, हैप्पी दशहरा कस कर एक बार सबको, हैप्पी दशहरा। तो गाइस देख सकते हो छोटे छोटे बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा खुशी इस पंडाल को लेकर, और इन लोग भी आप लोगों को विश किया था, और मेरी तरफ से और इन बच्चों की तरफ से आप लोगों को हैप्पी दशहरा। तो गाइस सबसे पहले हम इस जगह पे इसलिए पहुंचे कि सबसे पहले पट खुला है यहीं पे कुरथौल में, तो हम आप लोगों को सबसे पहले वीडियो यहाँ कुरथौल का दिखा रहे हैं। इसके बाद और भी वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिलेगा आज। तो सबसे पहले आप हमारे पीछे तो देख ही रहे हैं पंडाल को, हम आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाते हैं पंडाल। अभी हम शूट कर रहे हैं इसको रेलवे ट्रैक से, जैसा कि मैंने मीनाक्षी टेम्पल वाला शूट किया था, तो इस पंडाल को भी रेलवे ट्रैक पे ही है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूर पे है मीनाक्षी टेम्पल भी। तो वो भी व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो तो आप लोग देख लिए हैं पहला उसके जब वो बन रहा था तब, और उसका फुल व्लॉग्स देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर, आज ही देखने को मिलेगा वो भी। तो जो लोग चैनल पर ना हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं बाहुबली पंडाल को एक्सप्लोर करते हैं, क्या है कैसे बना है और क्या खासियत है इसकी, वो सब आप लोग हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो व्लॉग्स में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो गाइस देख सकते हैं कि कुरथौल में कुछ इस तरह का पंडाल बनाया गया है, जो कि बाहुबली फिल्म सिटी का पूरा सेट बना के यहाँ पे रख दिया गया है। गाइस आइए कुछ लोग यहाँ पे इन लोग से बात करते हैं, भैया लोग से, तो भैया पंडाल के बारे में कुछ खासियत बताइए जिससे कि लोग यहाँ पे जाकर घूमने के लिए आए। भैया ये हमारा गाँव का पंडाल है, हर साल पंडाल बैठता है, जब कोरोना था उस समय भी पंडाल बैठा था, पहले 3 साल आगे तथागत स्कूल के पास बैठा था। यहाँ का पंडाल हमेशा बहुत अच्छा रहता है, यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं, घूम सकते हैं, यहाँ पे प्रसाद का भी व्यवस्था आप अभी देखें, प्रसाद हमारे टन्ना भैया प्रसाद बांट रहे थे। हमारा पंडाल बहुत अच्छा रहता है, हमारा गांव का पंडाल है। थैंक यू। तो गाइस आइए हम बात करेंगे यहाँ पे पंडाल की जो मेंबर है भैया से, और वो बताएंगे इस पंडाल के बारे में क्या खासियत है और क्यों आप लोग यहाँ पे घूमने आइएगा। भैया बताइए सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोशन हुआ। पंडाल के बारे में आप बताइए, लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा विजिट करें घूमने के लिए। यहाँ पंडाल बाहुबली महेश मति के थीम पे बना हुआ, और उसमें कुछ हम लोग का मिक्सिंग भी है, और इसमें वातानुकूलित पंडाल है, एसी लगा हुआ है इसमें, और सीसीटीवी कैमरा है, और प्रोजेक्टर पे बाहर में भी दिखाया जाएगा कि अंदर भीड़ के कारण बाहर में भी व्यवस्था किया होगा देखने के लिए, कोई भीड़ में ना जाए इसलिए बाहर भी देख सकते हैं। तो प्रोजेक्टर क्या शाम में दिखेगा? हाँ शाम में, रात में रात में दिखेगा ना, रात में दिखेगा। कितने लागत में बनकर ये पंडाल तैयार हुआ? 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए में, और कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ है? 1.5 मंथ में। 1.5 मंथ में पानी के चलते मतलब लेट हो गया, नहीं तो और पहले का कोशिश था। और कहाँ कहाँ के कारीगर ने इसको बनकर बनाकर तैयार किया है? ये झारखंड से आए हैं, और मूर्ति है तो सलीमपुर आरा के बनाने वाले हैं। अच्छा ये 25 लाख का जो लागत लगा है, तो इसका अमाउंट इतना भारी अमाउंट में पंडाल बनाना ये कहाँ से संभव हो पाया है? ये सभी लोग का एकत्रित करके कलेक्ट किया हुआ डोनेशन है, उसी से बना। आप व्यूअर्स को बताएं कि लोग यहाँ पे घूमने किस लिए आए? ये महेश मति का थीम बाहुबली के पंडाल को देखने के लिए आए, और क्या पंडाल को देखने के लिए? हाँ पंडाल इतना अच्छा आपके बिहार में, आपके पटना में, कुरथौल में आपका इतना अच्छा पंडाल देखने को मिलेगा। महेश मति फिल्म सब टीवी पे देखता था, और यहाँ पे आप लाइव देखने को मिलेगा, इसके लिए आइए आप। तो गाइस आप जैसा कि देख सकते हैं कि आपको अपने बिहार के पटना में बाहुबली फिल्म सिटी का जो पंडाल बनाया गया है इसको देखने के लिए आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हैं पटना वाले, क्योंकि ये पंडाल का थीम आपको कहीं देखने के लिए मिलेगा। पटना में बहुत सारे पंडाल है, हर पंडाल का एक अलग अलग थीम है, और इस पंडाल को फुल बाहुबली फिल्म सिटी के आधार पे इसको सेम उसी तरह से बना दिया गया, और इस पंडाल के अंदर खासियत इसके अंदर एसी भी है, तो आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। पंडाल का अंदर का लुक, और क्योंकि यहाँ पे प्रतिमा का
पट है वो खुल चुका है। सबसे पहले पट यही पे खुला है, आप लोगों को ब्लॉग पट खुला हुआ यही पे देखने को मिलता है। गाइस चलते हैं अंदर। कैसा लगा और आप लोग यहाँ जरूर विजिट करने आइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।